Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyan par MS Word tutorial jo ki almost finish hi hai uski practice ke liye kuch exercise maine website par upload ki hai aur jo paid member hai wo yahan se उनकी प्रैक्टिस को चालू कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल अब चालू होने वाला है यहाँ पर और आप किस तरीके से उसको वर्क को करेंगे यहाँ पर वो अपलोड हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले अपना लॉगिन करना है अपना आईडी और पासवर्ड के साथ। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप अपना मेल आईडी चेक करके देख सकते हैं। अगर आप पेड यूजर हैं तो आपको यहाँ पर ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा। लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के बाद आप जब जाएंगे मटेरियल मेन्यू के अंदर विंडोज प्लस एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे नीचे की तरफ, होम टैब प्रैक्टिस वन। इसी तरीके से सारे टैब वाइज प्रैक्टिस यहाँ पर एक्सरसाइज डाल दी गई हैं और इस पहली एक्सरसाइज को आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप पेड यूज़र नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिज्यूम है जो हमें बनाना सीखना है एमएस वर्ड में। नॉर्मली आप सभी लोगों को हो सकता है आता हो, बट फिर भी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ और वो भी शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि आप ये किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं प्रैक्टिकल एमएस वर्ड के अंदर। विंडो के साथ आर प्रेस करते हुए आपको विन वर्ड टाइप करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रूलर यहाँ से ऑन कर लेना है। रूलर हमारा एक मेन पार्ट होता है एमएस वर्ड में, जिससे हम यहाँ पर टैब सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम कोई टैब सेटिंग नहीं करने वाले। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सबसे पहले रिज्यूम, और वो किसी भी केस में हो हम उसे बाद में चेंज कर लेंगे। फिलहाल तो हमें मेन काम है पहले टाइपिंग वर्क को कम्प्लीट करना। नेम लिखने के बाद आपको एक सिंगल टाइम टैब दबाना है, देन कोलन का सिंबल देते हुए फिर से एक बार आपको टैब प्रेस करना है। यानी कि आपको नेम लिखने के बाद एक बार टैब, देन कोलन दबाने के बाद फिर से एक बार टैब। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मिस्टर सुनील जोशी, जिसके नाम से हम रिज्यूम बना रहे हैं, और उसमें भी हम अभी पहला कैरेक्टर कैपिटल ऑटोमेटिक कर देंगे। फिलहाल तो हमारा मेन काम है टाइपिंग वर्क को कम्प्लीट करना। फादर्स नेम लिखने के बाद आपको फिर से एक बार टैब दबाना है, देन फिर से कॉलन दबाने के बाद फिर से एक बार टैब दबाना है। स्पेस आपको यूज नहीं करना है, आपको टैब प्रेस करना है। यहाँ से आप डाल देंगे मिस्टर कमल कुमार जोशी, तो जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब आपको डाल देना है। फिर हम यहाँ पे पास करा देते हैं मदर्स नेम, और टैब प्रेस करने के बाद कॉलन देने के बाद फिर से टैब प्रेस करना है। अभी हम इस चीज को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं पुष्पा देवी, और इन सभी चीज़ों को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक टैब प्रेस करना होगा। टैब प्रेस करने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ क्लिक कर देते हैं, एक सिंगल क्लिक। ऊपर आप देख सकते हैं रूलर टाइप में, और एक सिंगल क्लिक करते ही जो टैब हमने प्रेस करे थे उनकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैब सेटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है तो आपको क्या करना होगा, उसको सिलेक्शन करने के बाद होम टैब के अंदर से आप एक फॉन्ट के अंदर चेंज केस कमांड देख पाएंगे, जहां से आपको क्लिक करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड पे। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। इस तरीके से हम सारे वर्क कर सकते हैं, और नॉर्मली जो रिज्यूम लिखा है इसको भी यहाँ से हम अपर केस में बदलते हुए सेंटर और बोल्ड और साइज एज पर अपना जो भी चाहते हैं उसको लेने के बाद अंडरलाइन करते हुए पास कर देंगे। इस तरीके से हम क्विकली अपना कोई भी रिज्यूम बना सकते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके का पूरा रिज्यूम अब हम बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। कुछ रोमन्स डिजिट आप देख पाएंगे 10th और 12th, इसको हम किस तरीके से करेंगे वो भी देख ले। यहाँ पर हमें जब क्वालिफिकेशन लिखनी होगी तो टैब प्रेस करेंगे जब आप, तो ऑटोमेटिकली अब वो उसी फॉर्मेट पे आकर रुक जाएगा जो आपने ऊपर टैब सेट करा है। उसके बाद रोमन के लिए आपको एक्स प्रेस करना है, वो भी कैपिटल लेटर में, और लिख देना है 10th के बाद 10th पास CBSC।
और ये जो TH आप देख पा रहे हैं इसको सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना होगा, ये भी फॉन्ट के अंदर आपको दिखाई देगा और ये दिखाई देगा सुपर स्क्रिप्ट के रूप में। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठ चुका है। तो नॉर्मली सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप टैब प्रेस करके फिर से यहाँ पर और दूसरी क्वालिफिकेशन ऐड करा सकते हैं। ईयर डालने के बाद आपने कब उसे पास आउट करा है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप सिंपल रिज्यूम अभी देख रहे हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर एक ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं जिसका रीज़न है कि स्पेस यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया था। रेड कलर हमारा दिखाता है स्पेलिंग मिस्टेक को, जबकि हमारा यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। आपको क्या करना है, F7 की को प्रेस करना है और इन सभी को डिक्शनरी में ऐड करा देना है। ऐड कराने के बाद ये वर्ड्स में अब कभी भी आपके MS Word में ये वो एरर शो नहीं करेंगी जो अभी शो हो रहे थे। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन आ रही है वो आपको माइनस प्रेस करना है और माइनस प्रेस करते ही ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है माइनस, जो कि जीरो के आपको आगे की तरफ वाला बटन दिखेगा। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है। वैसे इसके कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर अगर 3 times star दबाना है तो आप देख पाएंगे डॉट वाली लाइन, 3 bold आप टिल्ड प्रेस कर देते हैं सिंबल, और वेव लाइन यहाँ पर आपको दिखेगी, 3 bold हैश सिंबल आप प्रेस करते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट्स है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रिक्स के ऊपर, वर्ड ट्रिक्स में आप देख सकते हैं। तो होपफुली अब आप रिज्यूम पूरा बना सकते हैं और ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसको ट्राई कीजिए। और कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें उस चीज़ को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेल्फ अध्ययन, बाय बाय।